वक्त कम, मुकाबला सख्त। चांद रात पर बाजारों और मार्केटों में बेपनाह रश। ख्वातीन की ना खत्म होने वाली शॉपिंग जारी। किसी को मैचिंग जूते तो किसी को चूड़ियों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी तिल धरने की जगह ना बची। जो सूट ले आया उसे मैचिंग दुपट्टा चाहिए। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश बरकरार। फेशियल, प्लकिंग और ब्लीच के लिए ख्वातीन की अपनी बारी का इंतजार। नाई बन गए वीआईपी। शेव और कटिंग के लिए चार चार घंटे का इंतजार। पैसे भी मर्जी के, ईदी अलहदा। मर्द भी सजने संवरने में मसरूफ। रेडीमेड शलवार सूट खरीद लिए, दर्जियों के चक्रों से बाहर निकल आए। छोटी ईद तो होती ही बच्चों की, बच्चा पार्टी की भी पूरी तैयारी। कपड़े, एनके और पर्स खरीद लिए। सुबह नए नए नोट पलटोरेंगे। खातीन ने किचन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। पहले दिन क्या पकेगा प्लान बना लिया। मेहमान नवाजी और मेजबानी भी भरपूर होगी। बड़े शहर खाली, परदेसियों की हो गई वापसी। चांद रात पर ट्रांसपोर्ट माफिया राज करने लगा। अपनी मर्जी के किराए वसूल करने लगा। मुसाफिर भी क्या करते, घरों में जाने के लिए मनमाने पैसे देने लगे। पिशावरी चप्पल के कराची में चर्चे। ईद से पहले खरीदार टूट पड़े। पिशावरी चप्पल की डिमांड बहुत ज्यादा, हर किसी की पसंदीदा। ईद उल फितर पर कमीज शलवार के साथ पिशावरी चप्पल खूब सजती है। सऊदी अरब, खलीज ममालिक, अमरीका, कैनेडा और बरतानिया में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इत्तेमाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे बड़ा इज्तिमा बुदाफी की शेख जैद मस्जिद में हुआ। इराक, कुवैत, बहरीन समेत खलीजी ममालिक में भी ईद पर रिवायती जोश जज्बा। अमरीका, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में भी ईद के रंग बिखर गए। बरतानवी मुस्लिम कम्युनिटी दो धड़ों में तकसीम। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। शव्वाल का चांद नजर भी आ गया। मुल्क भर में जुमतुल विदा के बड़े इज्तमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। बदतरीन सियासी मुखालफीन एक मेज पर बैठने को तैयार। हुकूमती नुमाइंदों का मुज़ाकरात के लिए पीटीआई से बाज़ाबता राबता। हुकूमत की जानिब से नामजद नुमाइंदे अयाज सादिक और साद रफीक ने असद कैसर से राबता किया। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राबते से मुतल्लिक असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर की जानिब से खैर मकदम पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा कहते हैं, हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मिलने पर इत्तेफाक हो गया। असद कैसर ने हुकूमती वफ से बातचीत का मस्बत जवाब दिया। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर दोहराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं अली अमीन गंडापुर को दौरान हिरासत जहरी अजियत दी जा रही है। अली अमीन को तस्दील की गर्ज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाया जा रहा है। अहमकाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद अपने लिए जिल्लत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कौम और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। एक सूबे का इलेक्शन मसले का हल नहीं है, सिखाना जंगी होगी। उम्मीद जमात इस्लामी सिराज उल हक को खदशा। कहा हुक्मरानों की लड़ाई से गरीब आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अदालत के जजेस एक पेज पर नहीं है। सियासी जमातों में मुजाकरात होने चाहिए। मुल्क में इलेक्शन के लिए एक तारीख का ऐलान हो, इस इलेक्शन में सेलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को 27 अप्रैल का टाइम दिया है। ईद के बाद सियासी जमातों के साथ रबते करेंगे। हुकूमत अब चलने वाली नहीं है। नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मरियम नवाज भी हमरा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
आइंदा लाहे अमल क्या, वजीर आजम का एक और मसरूफ दिन, शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं और कानूनी माहरीन से मुलाकात, सियासी और आईनी सूरत हाल पर बातचीत, साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात, एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस से मुतलक तफसीली मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कॉपी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक रखा है। सदर मुमलिकत ने बिल को दो मरतबा दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर अमल दरामद पहले ही रोक चुकी, जब तक हुक्म इम्तिना बरकरार है कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल की मंजूरी या एक्ट बनने से नहीं रोका, सिर्फ अमल दरामद से रोका। ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वजीर आजम और निगरान वजीर अला पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है, पहले भी अदालती हुक्म के खिलाफ अर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया, अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। उधर जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वसूल, वारंट इमरान खान के वकील ने वसूल किए। थाना मारगला में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वारंट जारी हुए थे। हुक्मरान सामान बांध लें, गाड़ी छूटने वाली है, कौम अदलिया के साथ खड़ी है, ईद के बाद बड़ी खबर आ सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट का मुस्तरद होना हुकूमत पर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फोन के बाद फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंदिर का हथौड़ा, बंदूक की नोक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल, अदलिया से खुली जंग है, दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने हरासानी केस में मुलजिम पर जुर्माना आयद कर दिया। सखर में तैनात एयरपोर्ट मैनेजर ने एएसएफ की खातून एएसआई को हिरासत किया। मुलजिम ने अपने खिलाफ जारी कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए सदर को दरख्वास्त लिखी। सदर मुमलिकत ने कार्रवाई को तूल देने के लिए गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर जुर्माना किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि ऐसे रुझान की हौसला शिकनी की जरूरत है, ये वक्त हासिल करने के हरबे के सिवा कुछ भी नहीं। साबिक सैनेटर अनवर बेग इंतकाल कर गए, वो तवील अरसे से बीमार थे। अनवर बेग की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा की गई। ईद से पहले महंगाई का जिन बेकाबू, फल और गोश्त के रेट आउट ऑफ कंट्रोल, मुर्गी बकरा और बड़ा गोश्त मनमाने रेट पर फरोख, लहसुन और अदरक भी सरकारी निरखों पर दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान रेलवे का 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। शालीमार एक्सप्रेस कराची और लाहौर से बयक वक्त सुबह 6 बजे चलेगी। कराची से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस हैदराबाद, नवाबशाह, रोहड़ी, रहीम यार खान, खानपुर, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, रायवंड से होकर लाहौर पहुंचेगी। ट्रेन में पार्लर कार, एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास की सहूलत मौजूद होगी। दुनिया के बड़े बड़े नाम ब्लू टिक से महरूम, ट्विटर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की शख्सियात के लिए ब्लू टिक खत्म कर दिया। इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम नवाज, शाहिद आफरीदी समेत कई शख्सियात ब्लू टिक से महरूम। एलॉन मस्क ने ब्लू टिक की फीस रखी थी, 20 अप्रैल तक फीस ना देने वालों के अकाउंट सादा हो गए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो, बियॉन्से और पोप फ्रांसिस का ब्लू टिक भी खत्म। ब्लू टिक खत्म करने पर सार्फिन के दिलचस्प तबसरे।